आज हम अरबी की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएंगे बिल्कुल नए स्टाइल में। इसे कैसे बनाना है तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अरबी की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम अरबी लिए, जिसे हमने पील करके अच्छी तरह से वॉश करके गोल गोल स्लाइसिस में काट लिया है। हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जिससे ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसमें हम थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा ही अमचूर पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच भर के ऑयल डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारे मसाले अरबी में अच्छी तरह से कोट हो जाते हैं। तो इसे डालते हुए अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हमारे मसालों का सारा टेस्ट अरबी में पहुंच जाता है और ये बनने के बाद बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है तो अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। अब एक कढ़ाई को गर्म पे चढ़ा दिया है हमने और इसमें हमने 1 चम्मच बेसन लिया है। अब गैस की फ्लेम हम स्लो रखेंगे और स्लो फ्लेम पे हम इसे भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है और अच्छी से खुशबू नहीं आने लगती है। तो हम इसे जब तक भून लेंगे। बेसन अच्छी तरह से भुन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो गैस की फ्लेम को अब हम ऑफ़ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई को गर्म पे हम चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे हम 1.5 चम्मच ऑयल और ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसका कलर चेंज हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक के लिए स्टर करते हुए पका लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे अरबी जो हमने मसालों में मिलाकर रखी हुई है, तो इसे डाल देंगे और इसे भी हम थोड़ा सा मीडियम हाई फ्लेम रखते हुए फ्राई कर लेंगे जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ। इससे बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा और अरबी हमारी बहुत ही इस तरह से टेस्टी बनती है। हमने इसे 5-7 मिनट तक पका लिया है और इसके मसाले अब तले पे लग रहे हैं तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं लेकिन अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके इसे निकाल लेंगे क्योंकि हम इसे अभी ग्रेवी के साथ भी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने सारी अरबी निकाल ली है। अब उसी कढ़ाई में हम 2 मीडियम साइज़ की प्याज का स्मूथ पेस्ट हमने बना कर रखा है, इसे डाल देंगे और मसालों के साथ में ही अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। और गैस की फ्लेम हमने स्लो रख दी है और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले तले पर लगे नहीं। अब 5 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए इसे हम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। हमने गैस की फ्लेम मीडियम हाई रख दी है क्योंकि हम मीडियम हाई फ्लेम पर इसे भूनेंगे और हमें इसे बराबर इसी तरह से भूनते रहना है ताकि मसाले तले पर लगे नहीं। हमें इसे भूनते हुए 15 मिनट हो गए हैं, हमने इसमें बीच बीच में पानी डालते हुए ही इसे भूना है तो ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो हमने यहाँ 1 चम्मच बेसन को भून कर रखा था, वो भी इसमें डाल देंगे, इससे काफ़ी बढ़कर टेस्ट भी आता है और बिल्कुल नए तरीके से हमारी अरबी की सब्ज़ी बनती है। इतनी अच्छी बनती है ये कि आप इसे अगर एक बार बना लेंगे तो उम्मीद है इसे बार बार बनाना इस तरीके से ज़रूर चाहेंगे आप। तो हम इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर डालेंगे, इससे क्या होगा कि कलर बहुत ही अच्छा आएगा हमारी ग्रेवी वाली अरबी की सब्ज़ी का। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डाल के अच्छी तरह से और हम इसे अभी भूनेंगे। हमने मसालों को मीडियम हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए भून लिया है। हमने ग्रेवी में अभी तक नमक नहीं डाला था तो थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि हमने अरबी में भी नमक डाला है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे अरबी जो हमने फ्राई कर रखी है, इसे डाल देंगे और इसे डाल के अच्छी तरह से इसे 10 से 12 मिनट तक और हम मसालों के साथ में पका लेंगे ताकि जो भी कसर हमारी अरबी में रह गई है वो इससे पूरी हो जाएगी और मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे और हमारी अरबी भी पूरी तरह से गल जाएगी। और ज़रूरत लगने पर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि मसाले तले पर लगे नहीं।
अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम स्लो फ्लेम पर इसे कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट तक हम इसे कवर करते हुए इसी तरह से पकाएंगे। अगर बीच बीच में पानी की आपको कमी लगती है तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ऑयल उतर आया है और अरबी भी हमारी गल चुकी है। अरबी को डालने के बाद हमने 10 से 12 मिनट तक इसे कवर करते हुए पका लिया है ताकि अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। तो इस तरह से हमारी अरबी गल भी चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। आप चाहें तो इसमें ग्रेवी करने के लिए थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी गार्निश कर देंगे और इसकी हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी टेस्टी ग्रेवी वाली अरबी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। जिसे अरबी खाना पसंद नहीं है, अगर वो इस तरीके से बनाएंगे तो ये रेसिपी उन्हें बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी अरबी की ग्रेवी वाली सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।